हेलो फ्रेंड्स, आसुसम किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत ही खास, जो उनको है बहुत पसंद, मैक्रोनी। ये नाम सुनते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और आप इसको अपने घर पे ही बना के उनको सर्व कर सकती हैं, वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैंने 110 ग्राम मैक्रोनी ली है, 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, यहाँ पे मैंने फाइन चॉप करके 1 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, 1 बड़ा टमाटर जिसका मैंने प्योरे बना लिया है, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, लहसुन की कलियां 5 से 6 जिसको मैंने अच्छे से बीट करके इसको फाइन कोर्स कर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। बच्चे अगर ज्यादा तीखा खाते हैं तो उनके लिए आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो आप टोटल इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर पानी ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि मैक्रोनी में कोई भी टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें नमक का स्वाद आ जाए तो मैक्रोनी और भी टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच के करीबन तेल लूंगी। नमक और तेल हम इसलिए डालेंगे जिससे नमक से तो मैक्रोनी में टेस्ट आएगा थोड़ा सॉल्टी, और ऑयल का ये काम होगा कि जो मैक्रोनी हमारी स्टिकी हो जाती है उसको वो उससे थोड़ा सा बचाएगा और हमारी जो मैक्रोनी है वो थोड़ी सी खिली खिली बनेगी। अच्छे से इसको स्टर कर देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब डाल देंगे हम अपनी मैक्रोनी। आंच को कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और हमें मैक्रोनी को लगातार चलाना होगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नीचे का जो तला होता है वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से ये मैक्रोनी नीचे चिपक सकती है, तो हम बस उसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए स्टर करेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। 7 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, चलिए अब चेक कर लेते हैं अपनी मैक्रोनी को कि वो कितनी बॉईल हुई है। मैं इसको कंटिन्यूअसली चलाती रही थी और इसको चेक करने के लिए आप एक स्पून में लीजिए और नाइफ की मदद से ऐसे कट करके देखिए, ये अच्छे से सॉफ्टली हो गई है और अच्छे से नाइफ से कट भी रही है। इसका मतलब हमारी मैक्रोनी बॉईल होके तैयार है। चलिए अब इसको हम छान लेते हैं, गैस ऑफ कर देंगे। इस तरह की एक छन्नी में हम इसको छान लेंगे और ये ओवर कुक ना हो जाए, जिसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी ये ठंडा पानी। इससे इसकी कुकिंग रुक जाएगी और जितना हमको चाहिए मैक्रोनी बॉईल उतना हमको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, ऐड कर देंगे इसमें ये गार्लिक। इसको हमको सॉटे करना है सिर्फ थोड़े सेकेंड के लिए, 20 से 30 सेकेंड। मैक्रोनी बनाते समय आप बस एक बात का ध्यान रखें कि आप पहले फुल फ्लेम पे अच्छे से पैन कढ़ाई को गरम कर लें, तेल को भी एक अच्छे टेम्परेचर पर गरम कर लें, देन उसके बाद इसको सिम पे करें। इसके बाद जब आप बनाएंगे रेसिपी को तो आपकी मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। 20 से 30 सेकेंड के बाद अब ऐड कर देंगे ये प्याज, इसको भी हम अच्छे से सॉटे करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर नमक। फाइनल एडिंग के टाइम पे नमक का आप जरूर ध्यान रखिए। हीट को मैंने मीडियम पे कर दिया है और 1 मिनट के लिए हम प्याज को भूनेंगे ताकि ये अच्छा से एक नाइस गोल्डन कलर आ जाए इसमें। 1 मिनट के बाद देखिए हमारी प्याज अच्छे से सॉटे हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। मसालों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है हमको। अब ऐड कर देंगे हमारी ये टमाटर की प्योरे, अच्छे से इसको चलाएंगे।
हमारे मसाले में देखिए अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। इस स्टेज पे ऐड करूंगी मैं ये क्रश करा हुआ हमारा ब्लैक पेपर। अच्छे से इसको मिलाएंगे। कुछ लोग मसाले को बिल्कुल सब्जी की तरह ठीक होने देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा मैक्रोनी बनाते समय इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ही रखनी चाहिए। टमाटर का प्यूरी जो है बस वो थोड़ा सा कुक हो जाए तब तक के लिए हम इसको बनाते हैं। और इस स्टेज पे अब हम ऐड कर देंगे अपनी हम ये बॉईल करी हुई मैक्रोनी। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल डालने का यही फायदा होता है कि मैक्रोनी आपकी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, स्टिकी नहीं होती है। आप चाहें तो मैक्रोनी को एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें केचप डाल सकते हैं। आप रेड चिली पाउडर की जगह कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, जिससे इसका ये कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे बहुत कम मसालों के संग बनाया है और ये बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अब बस एक मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हमने उबालते हुए भी डाला था, थोड़ा सा प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए भी डाला था, तो आप नमक की क्वांटिटी का यहाँ पे ध्यान रखें। इसे अच्छे से हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि जो मैक्रोनी है वो बहुत सॉफ्ट होती है और वो टूट सकती है, इसलिए आप हल्के हाथों का ही इस्तेमाल करें। अब बस मैं इसको एक मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, इसके बाद हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है। एक मिनट हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, हमारी मैक्रोनी बनके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। गैस ऑफ कर देंगे, चलिए अब फटाफट कर लेते हैं इसको सर्व। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मैक्रोनी किड्स स्पेशल। इस वेकेशन अपने बच्चों को आप ये रेसिपी बना के जरूर खिलाएं और देखिए कि बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। और इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए देखते रहे मेरे चैनल आंसू सोम किचन को। मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर करना ना भूले। और इस रेसिपी को बनाने के बाद क्या करना है, करना है आपको कमेंट कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आंसू सोम किचन। थैंक यू।